हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज डाइपोल मोमेंट। हम अब तक जो कुछ भी पढ़ के आए हैं उन्हीं नॉलेज के बेसिस के ऊपर हम एक नई टर्म जो है एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, विच इज़ दी डाइपोल मोमेंट। अब तक जो बात हम करेंगे इसमें ज़्यादातर वो तमाम की तमाम वही पुरानी बातें होंगी जो हम पिछले कई टॉपिक्स में सैकड़ों दफ़ा रिपीट करके आए हैं। वो क्या है, सपोज करते हैं कि वी हैव टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। दीज आर दी हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल क्या है, हेट्रोन्यूक्लियर है। हेट्रोन्यूक्लियर का क्या मतलब है कि एटम, और एटम्स कौन से, विच आर डिसिमिलर, एक जैसे नहीं हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास H2 है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आर सेम सिमिलर एटम्स, तो दिस मॉलिक्यूल विल बी दी होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, राइट। अब जब भी हम हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल लेंगे तो दे विल हैव अ डिफरेंस इन दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सारी की सारी बात वो है जो आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक में पढ़ी थी और कोवलेंट बॉन्ड में भी पढ़ी थी कि इनका डिफरेंस जो है वो हमें बताता है कि बॉन्ड आयनिक है या कोवलेंट है या उसमें कौन सा करेक्टर कितना मौजूद है। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होता है कि जो हाई एलाइडी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है दोनों में से, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन दोनों में से जौन सा होगा दैट विल अट्रैक्ट मोर, और किसको अट्रैक्ट करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर आप डेफिनेशन ही याद करें या रिकॉल करें जो हमने पढ़ी थी, तो उसमें क्या था, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, के जो शेयर्ड पेयर मौजूद है उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या है। तो जितना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज़्यादा वो उसको अट्रैक्ट करेगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज आएगा। तो होता क्या है, अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वेयर एज हाइड्रोजन इज़ इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो जैसे ही ये फॉर्म बॉन्ड बनेगा तो जो आपका शेयर्ड पेयर है दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये पेयर इसके करीब जब आएगा तो इसके करीब आने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ तक सारी की सारी बात पुरानी है। नाउ एनी मॉलिक्यूल विच हैज़ टू पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आर कॉल्ड डायपोल। दिस इज़ वन पोल, दिस इज़ सेकेंड पोल, एंड वी राइट इट कलेक्टिवली एज अ डायपोल, डाय फॉर टू एंड पोल फॉर कि जो उसकी पोलैरिटी है। तो ये जो पोलैरिटी जब आपके मॉलिक्यूल के ऊपर आएगी तो जो चीज़ बनेगी दैट इज़ दी डायपोल। अब इस मॉलिक्यूल के साथ जौन सा है आपके पास, अगर आप देखें तो ये दो जो उनसे चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल एक प्लस चार्ज है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव मॉलिक्यूल है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल है, और इनके दरमियान ये डिस्टेंस है, और इनके ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी है। तो यहाँ से जो एक नई टर्म आपके पास इंट्रोड्यूस होगी दैट इज़ दी डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट क्या है, डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई या पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स। ये इसकी डेफिनेशन है। वो कहता है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल्स बनते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, तो जो एक नई टर्म हमारे पास आती है डाइपोल मोमेंट,
वो क्या होती है कि दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज़ क्यू एंड द डिस्टेंस डिस्टेंस इज आर. ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ द डिस्टेंस एंड क्यू इज़ द चार्ज जो कि यहाँ पे मौजूद है. यहाँ पे क्यू पॉजिटिव होगा और यहाँ पे क्यू नेगेटिव होगा. तो मेरे पास जो डाइपोल मोमेंट है वो किसके बराबर आएगा? डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय आर. डाइपोल मोमेंट को हम केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करते हैं विद द ग्रीक साइन म्यू, एंड म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय आर. तो दिस इज अ न्यू फॉर्मूला ऑफ दी क्वांटिटी जो कि हमने डिफाइन की है डाइपोल मोमेंट. यहाँ पर एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है वो आप सबको तकरीबन पता है कि आप लोगों ने अपनी फिजिक्स में मैट्रिक और उससे पहले की क्लासेस में भी पढ़ा है. वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच हैज़ सम मैग्नीट्यूड एंड इट आल्सो हैज़ अ डायरेक्शन. और इसकी जो ऑपोजिट क्वांटिटी होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है. स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो मौजूद होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती. तो ये सारी बात जो है आपके पुरानी है और आपको याद भी है. तो वेक्टर क्वांटिटी ये मौजूद होती है. डाइपोल मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. और इसकी वेक्टर की मदद से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल दीज आर द टू चार्जेस. इसके ऊपर क्यू पॉजिटिव है, इसके ऊपर क्यू नेगेटिव है. तो जो इनके दरमियान म्यू होगा म्यू विल बी इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय आर. और जो आर होगा दैट वुड बी द दिस डिस्टेंस. और इसकी डायरेक्शन जो होगी क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसकी डायरेक्शन साथ लिखनी पड़ेगी. तो डायरेक्शन विल ऑलवेज बी फ्रॉम द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम टू द इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम. जो भी चार्ज की डायरेक्शन होगी जब भी हम डाइपोल मोमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें उसकी डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी. और जो इसकी डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी पॉजिटिव टू द नेगेटिव. तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इन दिस केस. इट विल ऑलवेज बी फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम टू द इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम. अब हम चलते हैं आपके पास इसके यूनिट्स की तरफ या इसकी थोड़ी सी अगर मज़ीद हम बात करें तो जो यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट हैं वो अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो दिस इज़ इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय आर. अब क्यू क्या होता है? क्यू इज़ द चार्ज और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, ऐसा यूनिट जो है. और आर इज़ द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज़ मेजर्ड इन मीटर्स. तो आपके पास जो ओवरऑल यूनिट आएगा दैट इज़ मीटर कूलम्स. तो दिस एम सी इज़ द यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट. और ये बराबर और ये जो है इस ये एक ये यूनिट है आपके पास एसआई सिस्टम के अंदर. लेकिन जो सिस्टम जो यूनिट इसका डाइपोल मोमेंट का इस्तेमाल होता है दैट इज़ डी बाय. डी बाय इज़ द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट. और ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए. अक्सर जो है आपके पास ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है. अब हम एक एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि डिबाय का और इसका आपस में क्या रिलेशन है. हम कहते हैं कि सपोज़ करें एक एटम जो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव वाला मॉलिक्यूल है. हम कहते हैं जी कि इसके ऊपर जो है ये जो चार्ज आपस में सेपरेट हुआ है दैट इज़ वन यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. वन और यूनिट एक ही बात मकसद है. यूनिट पॉजिटिव चार्ज. यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इसके ऊपर जो क्यू की वैल्यू है वो एक पॉजिटिव चार्ज के बराबर है. एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन का जो चार्ज होता है. और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो होता है 1.6
इंटू 10^-19 कूलम। अगर आप फर्स्ट चैप्टर रिकॉल करें तो हमने उसमें ये वैल्यूज लिखी भी थी। तो क्यू इज़ 1.6 × 10^-9 कूलम, और हम कहते हैं कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ 100 पिकोमीटर। और 100 पिकोमीटर को अगर मैं लिखूं तो इस तरह भी लिख सकता हूं, 100 × 10^-12 मीटर। और ये डबल ज़ीरो ये माइनस को जब कम करेंगे तो इट वुड बी 1 × 10^-10 मीटर, और 10^-10 इज़ 1 एंगस्ट्रॉम। तो आई कैन राइट इट डाउन एज 1 एंगस्ट्रॉम। तो यही वजह है कि आपकी बुक में भी 100 पिकोमीटर को उसने 1 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है। तो दीज आर द सेम। नाउ वी हैव क्यू एंड आर प्रेजेंट विद अस, तो वी कैन फाइंड आउट द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय आर। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्यू इज़ 1.6 × 10^-19 कूलम मल्टीप्लाई बाय 100 पिकोमीटर, 100 × 10^-12 मीटर्स। तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी 1.602 × 10^-29 मीटर कूलम। दिस इज़ द डायपोल मोमेंट ऑफ आवर हाइपोथेटिकल केस जो कि हमने ये स्टडी किया। अब हमने इस एम सी को कन्वर्ट करना है डी बाई के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास ये कन्वर्शन फैक्टर जिसको हम कहते हैं, कन्वर्जन फैक्टर आपको पता होना चाहिए डी बाई के अंदर, और आपके पास जो है वो एम सी उसके अंदर। तो 1 DY जिसको हम कैपिटल डी से लिखते हैं इज़ इक्वल टू 3.336 × 10^-30 मीटर कूलम। नाउ दिस इज़ द कन्वर्जन फैक्टर जो कि आपको याद होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि 1 इंच के अंदर 12 inches इज इक्वल टू 1 foot, 12 inches इज इक्वल टू 1 foot, या हम कहते हैं कि 1 meter के अंदर 100 centimeter होते हैं। तो दीज आर द कन्वर्जन फैक्टर। सिमिलरली दिस वैल्यू यू मस्ट रिमेंबर, और ये भी अक्सर औकात ऑब्जेक्टिव में जो है वो पूछ ली जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जो एम सी के अंदर आंसर आया था मीटर कूलम के अंदर वो था 1.602 × 10^-29। एंड नाउ आई नीड टू कन्वर्ट द यूनिट्स फ्रॉम एम सी इंटू डी बाय। तो मुझे ऊपर क्या चाहिए, ऊपर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर तो ये है, न्यूमिनेटर में मुझे डी बाय चाहिए, और मुझे एम सी को ख़त्म करना है। तो एम सी के लिए अगर मुझे ख़त्म करना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा ताकि एम सी एम सी से कट जाए। तो 1 DY इज़ इक्वल टू 3.336 × 10^-30 एम सी, राइट। तो ये एम सी इस एम सी से कटेगा, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करूँगा तो यूनिट मेरे पास डी बाय आ जाएंगे। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन मेथड टू कन्वर्ट द यूनिट्स, कि आप इस तरीके से यूनिट कन्वर्ट करें कि आपको पता हो कि ऊपर क्या आना है और नीचे क्या लाना है, ताकि आपकी कन्वर्जन कभी गलत ना हो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि वी हैव टू डिवाइड इट नाउ, या कभी मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, तो वो समटाइम्स कन्फ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह ड्रॉ करके यूनिट को कन्वर्ट करें तो दैट विल बी वेरी ईजी फॉर यू। एम सी एम सी से कट गया, आपने क्या किया 1.602 × 10^-29 को डिवाइड किया 3.336 × 10^-30 से, और यूनिट आ गए डी बाय, एंड दिस आज का आंसर आएगा 4.8 DY। तो दिस इज़ द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, और इस तरह से हम जो है इसको फाइंड आउट करते हैं। आपकी बुक में एक टेबल भी दिया हुआ है जिसमें मेजर जोन से कंपाउंड्स हैं उनके डाइपोल मोमेंट जोन से हैं वो दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे एक आखिरी बात जो है इस डाइपोल के हवाले से वो ये है कि अगर आपका मॉलिक्यूल जो है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं इट हैज़ पोली एटॉमिक, मतलब 2 से ज़्यादा एटम हों, फॉर एग्ज़ाम्पल CO2 है, H2O है, CCl4 है, तो ये 2 से ज़्यादा एटम हैं, इन सब का अपना अपना एक एक एटम का जो है
वो हर बॉन्ड का अपना डाइपोल मोमेंट होगा। अगर पॉली एटॉमिक आपके पास सिस्टम आ जाए जिसके अंदर टू और मोर देन टू डाइपोल मौजूद हों, डाइपोल मोमेंट्स, तो उस केस में फिर हम डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो कैसे निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, वो हम निकालते हैं नेट डाइपोल मोमेंट, उसको हम कहते हैं नेट डाइपोल मोमेंट। और वो कैसे निकलता है, उसका तरीका होता है कि वी एडिशन हम करते हैं, वेक्टर एडिशन। अगर आप रिकॉल करें अपनी फिजिक्स को, वेक्टर एडिशन ऑफ द डाइपोल मोमेंट, तो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करते थे, अगर ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये है, तो वी इस मेथड से जिसको हम हेड टू टेल रूल कहते थे, हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसी तरह आपने क्या करना है, जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आ जाए, या दो से दो दो या दो से ज़्यादा डाइपोल मोमेंट्स इन्वॉल्व हो जाएं, तो फिर हम वेक्टर एडिशन ऑफ इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स करते हैं और फिर हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता है जो कि उस मॉलिक्यूल का होता है। इसकी एग्जांपल के तौर पे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो दिस इज़ कार्बन, इट फॉर्म्स द डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन। नाउ एक डाइपोल मोमेंट इसका होगा इस डायरेक्शन में, एक डाइपोल मोमेंट इसका होगा इस डायरेक्शन में। अब जितना इस तरफ है डाइपोल मोमेंट, उतना ही इस तरफ डाइपोल मोमेंट है, और जब मैं इनको ऐड करूँगा तो दे विल कैंसिल आउट द इफेक्ट, और जो आपके पास नेट डाइपोल मोमेंट होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट वुड बी ज़ीरो। और अगर आप वो टेबल भी देखें या लिटरेचर से कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट देखें, तो वो ज़ीरो है। उसकी वजह ही ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये लीनियर होता है, इसमें एक तरफ एक डाइपोल, दूसरी तरफ दूसरा डाइपोल, और डाइपोल भी सेम क्वांटिटी, क्योंकि जितना सी डबल बॉन्ड है ये इधर भी सी डबल बॉन्ड ओ है, तो जितना इस तरफ उतना ही इस तरफ, इट विल कैंसिल आउट एंड नेट डाइपोल मोमेंट बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, दिस इज़ हाइड्रोजन, अगर हम वाटर की बात करें, तो वाटर के केस में ऑक्सीजन जो है ये सेंट्रल और दीज आर द टू हाइड्रोजन एटम्स। अब इतने हिस्से का OH का जो डाइपोल मोमेंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये होगा, और इसका जो होगा H ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में होगा। तो अब हम इनको वेक्टर एडिशन के थ्रू जब ऐड करेंगे, तो हमारे पास इस डायरेक्शन में जो है नेट डाइपोल मोमेंट आएगा, जो कि वाटर के केस में 1.85 d/ होता है। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि जब भी आपके पास पॉली एटॉमिक सिस्टम आ जाए, या दो से ज़्यादा आ जाए, तो फिर आपने उनकी वेक्टर एडिशन करके नेट जो डाइपोल मोमेंट है वो फाइंड आउट कर लेना है। ये यहाँ पे हमारा डाइपोल मोमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने अभी चीज़ें पढ़ी उसमें क्या था, उसमें हमने कॉन्सेप्ट देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट। फिर हमने बात की आपके पास उसके फॉर्मूले की और उसके वेक्टर क्वांटिटी होने की। फिर हमने उसके यूनिट्स देखे और उसकी कन्वर्जेंस देखी, और लास्ट में हमने देखा कि अगर पॉली एटॉमिक सिस्टम आ जाए तो फिर हम वेक्टर एडिशन करते हैं हर एक डायपोल मोमेंट की, और हम आंसर रिपोर्ट करते हैं नेट डायपोल मोमेंट की शक्ल में। यहाँ पे हमारे बेसिक्स इंफॉर्मेशन अबाउट डायपोल मोमेंट ख़त्म हो गई है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा उसमें हम देखेंगे कि डायपोल मोमेंट का रिलेशन विद द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पे या मॉलिक्यूल के ऊपर इसका असर क्या होता है। हम इसको न्यू टर्म को हमने डिफाइन तो कर दिया है, हमने इसके बारे में जान भी लिया, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है या इसका रोल क्या है जो ये प्ले करता है इन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये हम स्टडी करेंगे इसके बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक में विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल्स। तो ये इसके बाद वाले टॉपिक के बाद हमारा डाइपोल मोमेंट कम्प्लीट हो जाएगा।